हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मिले सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में, लेसन 40, हाउ टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब चैनल, यानी कि यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट कैसे बनाएं, आज इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले कुछ की पॉइंट्स है, और फर्स्टली हम यही समझेंगे कि कैसे एक यूट्यूब चैनल के लिए हमें किस प्रकार से प्लेलिस्ट को क्रिएट करना चाहिए, यानी कि बनाना चाहिए। देन इसी के साथ हम आपको प्रैक्टिकली बताने वाले, तो चलिए इन सभी के बारे में कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक सही तरीके से प्लेलिस्ट को, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करने से पहले आपके पास एक यूजफुल अकाउंट होना चाहिए, अपना खुद का एक चैनल होना चाहिए जिसमें आप ऑर्गेनाइज कर सके और डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोस को आप इजीली तरीके से, आप चाहते हैं कि अलग अलग व्यूअर्स, मान लीजिए आपने अलग अलग कैटेगरीज की कुछ वीडियोस बना रखी और डायरेक्टली आप यूट्यूब पर अपलोड करते जा रहे हैं, बट क्या होता है कि कुछ पर्सन को, जैसे एग्जांपल हम बात करें, किसी पर्सन को फाइनेंस से रिलेटेड आप वीडियोस देखनी और आपने वो कंटेंट आपने जरूर दिया, बट आपने कुछ फाइनेंस से दिया है, कुछ डिजिटल मार्केटिंग से दिया, या फिर कुछ अलग अलग टॉपिक से आपने वीडियोस दे रखे हैं, बट यहाँ पर किसी पर्सन को या किसी व्यूअर्स को आप किसी फाइनेंस की वीडियो देखनी है, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, तो कैसे देखेगा। तो ये सभी चीजों से रिलेटेड करता है ये कंटेंट, कि कैसे हमें अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना सकें जिसकी हेल्प से हमारी हर एक वीडियो सही कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज हो पाए, और साथ ही साथ जो भी व्यूअर्स हमारी वीडियोस को देखना चाहता है वो इजिली तरीके से उस प्लेलिस्ट के थ्रू वो फाइंड आउट कर सके। और भी बहुत ही सिंपल हमें जानना है कि प्लेलिस्ट आखिर में होती क्या है, तो यहाँ पर हम अपनी वीडियोस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अलग कैटेगरीज के हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर या हमारे व्यूअर्स को आसानी से हमारी वीडियोस एक सही प्लेलिस्ट पर देख सके। तो चलिए इन सभी के बारे में आपको प्लेलिस्ट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में समझते हैं। तो चलिए आज का हमारा यही टॉपिक है कि कैसे हम एक प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि प्लेलिस्ट कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि न्यू प्लेलिस्ट लिखी, और इस तरह से आप देखते होंगे कि कैसे एक प्लेलिस्ट यहाँ पर डिफरेंट तरीके से शो होती है। उन्हीं के अंदर कुछ दो वीडियोस होती हैं, कुछ 65 वीडियोस हो सकती हैं, कि जितनी वीडियोस आपको रखना है प्लेलिस्ट के अंदर आप रख सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में समझते हैं। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे प्लेलिस्ट को हमारे यूट्यूब वीडियोस में, तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब अकाउंट यानी कि यूट्यूब स्टूडियो में लॉग इन होना होगा। देन इसके बाद आपको सही तरीके से यूट्यूब वेबसाइट पर जाके आप लॉग इन कर सकते हैं, या फिर इसके एप्लीकेशन पर भी जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। देन इसी के साथ आपको साइन इन करना है अपने गूगल अकाउंट से, देन इसी तरीके से आपको मिल जाता है YouTube स्टूडियो का एक्सेस। अब जैसे आपको YouTube स्टूडियो का एक्सेस मिल जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स के आइकॉन पे जो राइट कॉर्नर पर आपको दिखाई देगा YouTube का होम पेज, और वही होम पेज पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू करना है, और देन इसी के साथ लिखा होगा यूट्यूब स्टूडियो। और जैसे आप यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच जाओगे, तो कुछ इस तरीके की चीजें आप देख पाएंगे कि कैसे हम एक प्लेलिस्ट को अरेंज कर सकते हैं। जब हमारे पास लॉट ऑफ कंटेंट आ जाता है, लॉट ऑफ वीडियोज आ जाती है, तो हम डिफरेंट तरीके से अलग अलग वीडियोज के हिसाब से डिफरेंट प्लेलिस्ट बना सकते हैं, जिसमें कि हमारी वीडियो सही तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोर्स बनाया है, और आपने कोर्स एक सीरीज के हिसाब से बनाया, और दूसरा अब इसी को अगर हम सही तरीके से प्लेलिस्ट पर अरेंज कर दें, सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर दें, तो कुछ इस तरीके से हमारी प्लेलिस्ट शो होती है। जैसे एग्जांपल डेमो में यहाँ बताया गया कि सोशल मीडिया इनसाइट करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसमें डिफरेंट प्लेलिस्ट जो थी उन सभी को ऑर्गेनाइज कर लिया, और जो सोशल मीडिया इनसाइट थी उनको एक तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया। इसी के साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की वीडियोज को हमने एक प्लेलिस्ट पर यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे डेमो के लिए चीजें बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि और नेक्स्ट हमें स्टेप क्या करनी होगी जिससे कि हम एक YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पर आपको नेविगेट करना होगा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। जैसे कि आप यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, आप साइड बार पर देख पाएंगे वहां पर लिखा होगा क्लिक ऑन प्लेलिस्ट, यानी कि प्लेलिस्ट लिखा होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। देन इसी के साथ आप न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप न्यू प्लेलिस्ट पर क्रिएट करेंगे, तो उस बटन को टेपिकली तरीके से आप उसे क्लिक कीजिए, देन इसी के साथ आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। अब बहुत ही सिंपल होता है कि आप अपनी प्लेलिस्ट कैसे सेटअप कर रहे हैं, तो जहां पर आपको एक न्यू विंडो पॉप ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि प्लेलिस्ट किस प्रकार से कॉन्फिगर हो रहा है और क्या
क्या क्या चीजें हमसे पूछी जाती है जब एक प्लेलिस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल सा आपको प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का नेम पूछा जाता है और किस तरह का रिफ्लेक्ट कंटेंट या थीम आप दे रहे हैं। देन इसी के साथ यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में इजीली तरीके से डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और भी जिस प्रकार से आप प्लेलिस्ट के कॉन्टेंट को देना चाहते हैं उसको भी अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। देन इसी के साथ यहाँ पर आप विजिबिलिटी प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं कि किस लोगों को विजिबिलिटी दिखानी है आपकी प्लेलिस्ट की और किन पर्सन को नहीं दिखानी। जस्ट एग्जाम्पल आपने वीडियोस बनाई है कोर्सेज के और आप चाहते हैं इसे पेड करना, तो यहाँ पर आप विजिबिलिटी के हिसाब से वीडियोस को आप प्राइवेट पब्लिक कर सकते हैं, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड होता है। देन इसी के साथ जैसे कि अगर पब्लिक हम करते हैं तो कोई भी आपकी वीडियो का एक्सेस देख सकता है, इजीली तरीके से प्लेलिस्ट के व्यू को देख सकता है और प्लेलिस्ट के बारे में जान सकता है। इसी के साथ अगर आप अनलिस्ट कर देते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जिन्हें प्लेलिस्ट के लिंक आपने उनको एक्सेस किया। इस पे आप इजीली तरीके से अपने कोर्सेज को भी सेल कर सकते हो। देन इसी के साथ एक और ऑप्शन आता है, वो आता है प्राइवेट, यानी आप चाहते हैं कि प्लेलिस्ट पर और भी वर्क आपको करना है, अच्छे से सही थंबनेल लगाने हैं या फिर और भी चीजें आपको चेंजेस करनी है अपने कंटेंट में, तो यहाँ पर आप इजीली तरीके से अपनी प्लेलिस्ट को प्राइवेट कर सकते हो जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होता है, आप इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप वीडियोस क्रिएट कीजिए अपनी प्लेलिस्ट में, जो आप एक बार प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर वीडियोस क्रिएट करना आप स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें कि आप एड वीडियो के बटन पर जाके और इजीली तरीके से प्लेलिस्ट पर वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आप वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने खुद के चैनल्स के भी और अदर चैनल्स के भी। अगर आप वीडियो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इजीली तरीके से आप यूट्यूब लाइब्रेरी में जाके अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके इजीली तरीके से उनके चैनल्स की वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में डेमो में लिखा हुआ है सैंपल यूट्यूब प्लेलिस्ट करके नाम बनाया गया। देन इसी के साथ यहाँ पर वीडियोस को हम ऐड करते गए। अब इसी के साथ यहाँ पर वीडियो जो है पब्लिक हुई है, आप अपने हिसाब से प्राइवेट अनलिस्ट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कैसे आप एक प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि प्लेलिस्ट बनाना इतना बड़ा काम नहीं है जितना कि उसे ऑर्गेनाइज करना। तो जैसे कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सही तरीके से कौन सी वीडियोस हमें अरेंज करनी है, प्लेलिस्ट पर ड्रैगिंग करनी है, ड्रॉपिंग करनी है, अपने हिसाब से आपको अपने चीजों को देखना होगा। देन इसी के साथ आप रिमूव भी कर सकते हैं, गलती से कोई वीडियो प्लेलिस्ट पर एड हो गई है आप उसे क्लिकिंग जाके इजिली तरीके से रिमूव बटन पे जाके उसे हटा सकते हैं। देन अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियो एड करना है इन फ्यूचर में तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेटिंग में जाके इसमें एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम पूरी चीजें कर लेते हैं तो फाइनली हमें अपनी प्लेलिस्ट को सेव भी करना होता है, क्योंकि जब आप चीजें ऐड कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर आप चैनल क्रिएट कर रहे हैं प्लेलिस्ट के लिए। देन इसी के साथ आपको सेव बटन जाके अपनी प्लेलिस्ट को सेव करनी होती है जब भी वीडियोस यहाँ पर लोगों को प्लेलिस्ट के हिसाब से दिखाई देती है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी कि सेव करने की, अब देन इसी के साथ अगर आपको एडिट करना है प्लेलिस्ट सेटिंग को तो ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आप जा सकते हैं कम्प्लीटली प्लेलिस्ट सेटिंग में और देख सकते हैं कि किस टाइम पर आप अपने प्लेलिस्ट टाइटल चेंज करना चाहते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं या फिर विजिबिलिटी ही क्यों ना हो। देन इसी के साथ अपनी प्लेलिस्ट को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के बीच, अपने सब्सक्राइबर के बीच, जिसमें कि आपकी प्लेलिस्ट का आपको यूआरएल मिल जाता है जिससे कि आप कॉपी करके इजीली तरीके से या फिर शेयर बटन की हेल्प से अपनी प्लेलिस्ट पेज को और भी लोगों तक या और भी सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हो। देन इसी के साथ ये प्लेलिस्ट आपकी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो इसी तरीके से अब लोग कहते हैं कि यार हमारी वीडियो तो एक इंडिविजुअल वीडियो होती है और एक प्लेलिस्ट की हमें क्या जरूरत है। अब जैसे कि आपने वीडियोस के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रखे, करेंट अफेयर्स रखा है आपने, ट्रेंडिंग टॉपिक्स रखे या फिर किसी चीज के बारे में आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अब ये तीनों ही कैटेगरीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अब इन तीनों कैटेगरीज को आप कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में। जैसे कि मान लीजिए आप डेली करेंट अफेयर्स दे रहे हैं तो आप करेंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देन इसी के साथ आप जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स दे रहे हैं तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके व्यूअर्स आपके सब्सक्राइबर को इजीली तरीके से वीडियोस मिल जाती है और आपका चैनल भी अच्छे से ग्रो होने लगता है। तो चलिए इन सभी स्टेप को हमने कम्प्लीटली थ्योरेटिकल समझा, अब टाइम आ चुका है प्रैक्टिकली समझने का। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए अपने खुद के यूट्यूब चैनल के ऐसे डेमो चैनल पे और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम एक यूट्यूब पर कम्प्लीटली प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जैसे कि हम अपने चैनल पर साइन इन हो चुके हैं, देन इसी के साथ हम आ गए यूट्यूब स्टूडियो पर। अब जैसे कि आप देख पाएंगे कंटेंट पे, हम कंटेंट पे क्लिक करेंगे, देन इसी के साथ हमारी बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे दिखने लगेगी। इसी के जस्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे लाइव, प्लेलिस्ट, पॉडकास्ट और प्रमोशन। तो आज का टॉपिक है हमारा प्लेलिस्ट की, कैसे हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही सिंपल सा, हम इस प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाएंगे, देन इसी के साथ हमारी कोई भी अगर एक भी प्लेलिस्ट नहीं बनी होगी तो इस तरीके का पेज यहाँ पर शो होगा। अगर आपकी ऑलरेडी वीडियो या प्लेलिस्ट बनी होगी तो यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट शो होने लगेगी।
अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर प्लेलिस्ट एंड एडिंग अ एक्साइटिंग कंटेंट अपलोड अ न्यू वीडियोस। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट कीजिए और वीडियोस को अपलोड कीजिए, देन इसी के साथ आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पर कम्प्लीटली हो जाएगी। तो चलिए न्यू प्लेलिस्ट पर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल हमसे पूछी जाती है। तो बहुत ही सिंपल सी डिटेल पूछी जाती है, हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, देन इसके बाद होती है विजिबिलिटी। अब चलिए ऐसे डेमो के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने कुछ यहाँ पर वीडियोज अपलोड करे थे, तो चलिए मैं ऐसे डेमो के लिए नाम लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे मैं लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग का टाइटल, और मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगी, और उन्हीं वीडियोस को मैं एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, अरेंज करना चाहता हूँ अपनी प्लेलिस्ट में, तो वो वीडियोस को मैं इस प्लेलिस्ट पर लाऊंगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख लिया, देन इसी के साथ अगर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो उसको मेरे को लिखना होगा। देन इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन की भी लिमिट टाइम होती है, लिमिट वर्ड्स होते हैं जो है 5000 वर्ड्स तक। तो चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर कम्प्लीटली डिजिटल मार्केटिंग का एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लिया हमारी प्लेलिस्ट के लिए। देन इसी के साथ यहाँ पर बात आती है विजिबिलिटी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पब्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कोई भी पर्सन या कोई भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर आपकी प्लेलिस्ट को इजिली तरीके से देख सकता है, और देन इसी के साथ उसकी वीडियोज को भी देख सकता है। अगर आप यही वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं तो सिर्फ ये प्लेलिस्ट वही पर्सन देख पाएंगे, जिस भी व्यूअर से सब्सक्राइबर को आप इस प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करेंगे वही लोग आपकी प्लेलिस्ट के हिसाब से ही वीडियोस को देख पाएंगे, जो कि पूरी तरह से प्राइवेट होगी और कोई भी अदर यूजर या फिर कम्प्लीटली कोई भी नया सब्सक्राइबर वीडियोस को नहीं देख पाएगा। अगर आप इसे अनलिस्ट करते हैं तो ये है कि अगर आप इस प्लेलिस्ट पर और भी अच्छी तरीके से वर्क करना चाहते हैं तो आप इसे अनलिस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे डेमो यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, देन इसी के साथ हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, और अब देखते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हमसे मांगी जाती है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट कर दिया हमारी प्लेलिस्ट को, अब जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है यू कैन नाउ मैनेज योर प्लेलिस्ट इन स्टूडियो, यानी कि अब आप प्लेलिस्ट को अपनी स्टूडियो पर मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि विजिबिलिटी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक बताई जा रही है, और टाइमिंग भी आप देख पा रहे होंगे। अब देन इसी के साथ अब मैं चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस मुझे यहाँ पर एड करनी है, तो कैसे हम इसे एड करेंगे, तो चलिए हम इसका एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अलग अलग वीडियो हमने डिटेलिंग यहाँ पर डाल दी है, चाहे हमारा टाइटल हो चाहे फिर वो डिस्क्रिप्शन ही क्यों ना हो। देन इसी के साथ अब बात आती है आपके यूट्यूब के व्यूज पर, कि कैसे प्लेलिस्ट की व्यूज यानी कि किस तरीके का थंबनेल आप यहां पर देना चाहते हैं अपने प्लेलिस्ट का। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम इस तरह से इस पेज पर पहुंच गए, कोई भी वीडियोस नहीं है, इसलिए प्लेलिस्ट हमारा पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे कुछ वीडियोस हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो जैसे कि हम एड वीडियो पे ऑप्शन पर जाएंगे, अगर हमें नई वीडियोस अपलोड करनी है तो हम यहाँ पर इजिली तरीके से अपलोड कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी जो वीडियोस हमारी अपलोडेड है या फिर हम चूज कर सकते हैं एग्जिटिंग वीडियोस को। तो हमारी जो वीडियोस एग्जिटिंग है, तो चलिए मैं यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग डेवो और डिजिटल मार्केटिंग ये दोनों वीडियोस को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, देन इसी के साथ इसे एड कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये दोनों वीडियो मैंने एड कर दिए, और इसी तरीके से मेरा एक कम्प्लीटली प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देन इसी के साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने कम्प्लीटली यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आप यहाँ पर रो पर पेज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उन्हीं वीडियोस को आप प्लेलिस्ट पर लाना चाहते हैं, तो कम्प्लीटली आपको ये रो मिलती है जिसकी हेल्प से आप अलग अलग प्लेलिस्ट को देख सकोगे और साथ ही साथ प्लेलिस्ट की वीडियोस को भी देख पाओगे। प्लेलिस्ट में एक बेनिफिट हमें यह है कि हमें यहाँ पर डायरेक्टली व्यूअर्स दिख जाते हैं कि हमारे किस वीडियो पर कितने व्यूअर्स मिले हैं, देन इसी के साथ कमेंट्स कैसा मिला है और किस तरह से हमारी वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी किया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर जाते हैं, जैसे कि लिखा हुआ एडिट इन यूट्यूब। अब क्या चीज हमने एडिट की है अपने यूट्यूब पर, और इसी तरीके से हमारी पूरी प्लेलिस्ट इस तरीके से शो होती है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप कम्प्लीटली समझ भी पा रहे होंगे कि हमारी दो वीडियोज यहाँ पर दी गई है, अभी कोई भी व्यूज नहीं है क्योंकि ऐसे डेमो के लिए हमने चैनल बनाया है। देन इसी के साथ यहाँ पे ये भी चीज भी लिखी गई है कि अभी आपने अपडेट किया है। देन इसी के साथ हमारी प्लेलिस्ट का कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रहा होगा। देन इसी तरीके से वीडियोज इसी तरीके से आपकी प्लेलिस्ट पर आती है। अब चलिए इस एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि हाँ, तो ये कम्प्लीटली हमने प्लेलिस्ट का ऑप्शन हमें मिल गया, बट हम चाहते हैं कि डायरेक्टली हमने जो वीडियोस कम्प्लीटली हमने कंटेंट क्रिएट किया हमारी वीडियोस के, अब उसी में हमें प्लेलिस्ट बनाना है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर जाते हैं, और देन इसी के साथ एडिट के ऑप्शन पर गए हम। जैसे अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन दिया, थंबनेल के जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्लेलिस्ट, यानी कि आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने व्यूअर्स को जो कॉन्टेंट आप क्रिएट किया दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट पर लगाया डिजिटल मार्केटिंग के, अब हम चाहते हैं नई प्लेलिस्ट बनाना, तो हम इस ऑप्शन पर जाके न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम न्यू प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है न्यू प्लेलिस्ट का और दूसरा दिखाई दे रहा है न्यू पॉडकास्ट का। तो हमें जाना है न्यू प्लेलिस्ट पर। अब जैसे कि यहाँ पे हमें टाइटल देना है, तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेंडिंग
वीडियोस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेंडिंग वीडियोस और इसी के साथ अगर मुझे डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं दे सकता हूँ। तो चलिए हाल फिलहाल में से भी छोड़ देता हूँ। देन इसी तरीके से विजिबिलिटी के तीनों ही ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। तो अभी हम इसको लिख लेते हैं प्राइवेट पर। अब जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये हमारी प्ले लिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। अब कौन सी वीडियोज और किस तरीके की प्ले लिस्ट पर हमें अरेंज करना है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ आप देख पाएंगे अब हमारी दो प्ले लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसे डन करूंगा देन इसके बाद इसको सेव कर दूंगा। अब यही वीडियोज मेरी वो जो नया मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक करके यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रेंडिंग वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट बनाया उस पर भी ये वीडियोस दिखाई देगी। तो चलिए बैक करते हैं देनिसी के साथ। अब जाते हैं प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको दोनों ही प्लेलिस्ट के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो आई होप कि आप कम्प्लीटली समझ गए होंगे कि कैसे हम प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को सही तरीके से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके समझ में आया होगा कि कैसे हम YouTube वीडियोस पर कम्प्लीटली प्लेलिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और सही तरीके से अपनी वीडियोस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई होप कि आप जरूर सभी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।